और चलते हैं सियासी ढाबे पर, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। जी हां, सियासत के जादूगर कहे जाने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में गच्चा खा गए। पूरी तैयारी के साथ विधानसभा में बजट पेश करने गए थे, लेकिन जो बजट पढ़ा वो पिछले साल का निकला। मुख्यमंत्री देर तक पिछले बजट की घोषणाओं को पढ़ते रहे। जब गलती का एहसास हुआ तो कहा सॉरी। कोरोना काल में सभी वर्गों के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित गफलत थी। अब मैं अल्प आयु वर्ग के साथ साथ समझ गलती थी। 1,18,00,000 जरूर और गहलोत थे। 5,00,000 की सीमा तक दी जाएगी, इससे 5,000 युवा उद्यमी लाभान्वित होंगे। 8 मिनट तक किसी को भनक नहीं थी कि जिस पर कांग्रेस विधायक तालियां बजाकर वारी जावा हो रहे हैं वो उन पर गुगली बनकर लौटने वाली है। कुछ ऐसा हुआ कि सियासत के जादूगर कहे जाने वाले गहलोत भी सन्नाटे में आ गए। कोरोना काल में सभी वर्गों के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। अब मैं अल्प आयु वर्ग के साथ साथ समस्त 1,18,00,000 जरूर। तकरीबन 8 मिनट तक तो मुख्यमंत्री बजट पढ़ते रहे, योजनाओं का ऐलान करते रहे और हर ऐलान पर कांग्रेस विधायकों की तालियां बजती रही। कोरोना काल में लेकिन तभी उनके ठीक पीछे बैठे मुख्य सचेतक महेश जोशी को कुछ अटपटा सा लगा। इसी समय किसी ने उनको इशारा कर बुलाया, वो उठकर गए और जब वापस लौटे तो मुख्यमंत्री को टोका। पहले तो गहलोत कुछ समझे नहीं, लेकिन तीसरी बार कहने पर बात उनकी समझ में आई। बजट की कॉपी को उलट पलट कर देखा, बात के साथ ये भी समझ आया कि गलती का ठीकरा किसी और पर फोड़ नहीं सकते, तो जुबा पर बस एक शब्द आया सॉरी। काल में सभी वर्गों के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। अब मैं अल्प आयु वर्ग के साथ साथ समस्त 1,18,00,000 जरूर। Gracias.